हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 चैप्टर 10 में उन दो नए आकारों को जो कक्षा 8 में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। वे हैं प्रिज्म और पिरामिड। उनको शुरू करने से पहले एक बार दोहराते हैं उन आकारों को जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और वे आकार हैं घन, घनाकार, बेलन, शंकु और गोला। तो ये आकार हैं घन, कुछ इस तरह से घनाकार या क्यूबॉइड, बेलन सिलेंडर, शंकु कोन और गोला स्फीयर जिसे बोलते हैं। इनके उदाहरण में होते हैं घन के उदाहरण में लूडो का पासा, रूबिक्स क्यूब, घनाभ के उदाहरण में माचिस की डिब्बी, अलमारी, किताब, बेलन के उदाहरण में कोल्ड ड्रिंक केन, बैटरी या सेल, नई पेंसिल, शंकु के उदाहरण में आइसक्रीम कोन, जन्मदिन की टोपी और स्फीयर या गोला के उदाहरण में गेंद, नींबू आदि। तो हम दोहरा चुके हैं इन सब आकारों को। अब करते हैं प्रिज्म और पिरामिड की चर्चा। प्रिज्म और पिरामिड दोनों ही आकारों की विशेषता यह है कि एक आकार विशेष न होकर एक पूरी टाइप होती है आकार की। जैसे प्रिज्म जो आकार होता है इसमें एक बहुभुज आकार का बेस होता है, जैसे कि ये हो सकता है त्रिभुज आकार का, और इसको जब एक पूरी लंबाई तक इसी बेस को समांतर रूप से खींच दिया जाए तो ये प्रिज्म आकार बन जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ ये त्रिभुज आकार प्रिज्म बना है। तो बहुभुज कैसा भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जब वो पूरा लंबा वैसा का वैसा समांतर रूप से ऊपर तक बढ़ा दिया जाए वो क्या होता है, प्रिज्माकार होता है। ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये है चतुर्भुजाकार का प्रिज्म जिसे हम घनाभ भी कहते हैं। ये है पंचभुजाकार का प्रिज्म जिसे कहेंगे हम पंचभुजाकार प्रिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो आधार वाला पृष्ठ है और जो ऊपर वाला पृष्ठ है दोनों बिल्कुल सर्वांग सम बहुभुज होते हैं। तो आधार का बहुभुज होना और आधार और ऊपरी पृष्ठ का सर्वांग सम होना इसमें आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं और सर्वांग सम होते हैं। तो ये जो प्रिज्म है ये एक आकार विशेष ना होकर पूरी टाइप होती है। इसी तरह बात करें हम पिरामिड के, तो पिरामिड में क्या होता है, कोई भी बहुभुज बेस होता है, जैसे त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है, और जब ये एक पॉइंटेड एक शीर्ष पर जाकर मिलते हैं तो ये पिरामिड आकार कहलाता है। जैसे हम ये देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार पिरामिड है, ये चतुर्भुजाकार पिरामिड है और ये पंचभुजाकार पिरामिड है। पिरामिड की विशेषता ये होती है कि इसका आधार जो है कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या और ज्यादा भुजाओं वाला बहुभुज, और इसका जो शीर्ष है वो एक शीर्ष होता है, ऊपरी सिरे पे कोई भी प्लेन फलक नहीं होता है। जबकि प्रिज्म आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म, ये चतुर्भुजाकार प्रिज्म, ये पंचभुजाकार प्रिज्म, और इस तरह से कई कई भुजाओं वाले प्रिज्म संभव है। तो हमने सीखा प्रिज्म को और पिरामिड को। उम्मीद है आप सबको प्रिज्म और पिरामिड आकारों की समझ हो गई होगी। धन्यवाद। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।